सावन के माह में अयोध्या के मंदिरों में भगवान के विग्रहों का भावपूर्ण ढंग से श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश के विभिन्न भागों से भक्त सावन में अयोध्या पहुंचते हैं। इसी क्रम में रामलला के अस्थायी मंदिर में फूल बंगले की झांकी सजाई गई और विराजमान रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। भोग प्रसाद मौजूदा श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। भगवान रामलला को सावन के झूलों के पद और कजरी सुनाई गई। हरे रामा रिमझिम बरसे बदरिया जैसे कजरी गीत पर भाव विभोर हो अयोध्या के संत और भक्त जन झूम उठे। देखिए एकादशी तिथि है, जिससे प्रति एकादशी को रामलला का जो भोग है वो फलाहारी लगता है। इस वर्ष भी आज की एकादशी में एक तो झूलन उत्सव काल चल रहा है, साथ ही साथ फलाहार के रूप में 56 प्रकार का भोग रामलला को लगाया गया है और उस भोग को वहाँ पर उपस्थित लोगों को वितरण किया गया है।